कहने हमारे वीपी सिंह जी, रामकिशोर तिवारी जी राजस्थान के बाहर से आते हैं, कहने पानी वानी तो है नहीं तुम्हारे यहाँ पर। मैंने कहा सर दो लाइन सुन लो, और आपको लगे राजस्थान धड़कनों में आ गया आपके, तो जरा उसे हथेलियों में ले आइएगा इस बार। था बहुत पानी, कहाँ है पानी राजस्थान का? राजस्थान के लोगों खामोश मत रहना, मैं आपकी तरफ से देश को जवाब दे रहा हूं, सूखा क्यों है यहां? था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। चिंगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं। हम क्यों लड़ते हैं? क्यों मरने मारने की बात करते हैं? क्यों 24 घंटे खून खच्चर करते हैं? कविता जैसा कुछ है तो आज विद्वत जनों की सभा है, ये काव्य गोष्ठी है, ये कवि सम्मेलन नहीं है। तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चिंगारी के पास रहें तो शौले और भड़क, पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है बॉर्डर जैसलमेर से, चिंगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शौनित रोज छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर शौन। देखिए तालियों में कंजूसी मत करिएगा, एक ही चीज सरकार ने छोड़ी जिस पर GST नहीं लगा है, वो ताली है। मेवाड़ धरा पर युगों युगों इनका एहसान रहेगा, आज का क्रांति बीज बो रहा हूं मैं। मेवाड़ धरा पर युगों युगों इनका एहसान रहेगा, अमर धरा पर चंदन झाला का बलिदान रहेगा। इस बार मुझे खल जाएंगे यदि आपकी तालियां न उठी तो। अमर धरा पर चंदन झाला का बलिदान रहेगा, युग बदले इतिहास भले ही करवट कितनी ले ले, जब तक राणा का नाम रहेगा राजस्थान रहेगा, जब तक राणा का नाम रहेगा राजस्थान रहेगा, जब तक राणा का नाम रहे। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, एक अंतिम मुक्तक सुन लीजिए फिर एक कविता कह के वाणी को विराम दूंगा। हम प्राण हथेली पर, इसमें एक विलोमुक्ति अलंकार है, जरा विद्वत लोग बैठे हैं, हम प्राण हथेली पर जीने के लिए लोग जिंदगी मांगते हैं। मैंने कुछ विलोम शब्द प्रयोग किया है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मां बागेश्वरी से, कि ऐसा एक मुक्तक मुझसे और लिखवा ले तो मैं अपना कवि होने का भ्रम पाल लूंगा। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, इसकी अंतिम लाइन आपकी ताली मांगती है बस, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जिंदाबाद। एक छोटी कविता सुन के आज के इस कवि सम्मेलन को हम वाइंड अप करते हैं। अभिनंदन। वो कविता पवन जी आपने आग्रह कर दिया है तो वकीलों का तो आदेश मान लेना चाहिए, वकील वो कील है, क्या तो ठुकती नहीं है, ठुकती है तो निकलती नहीं है, तो ये लाइन मैं सुना देता हूँ। ये मेरे जीवन की दो कविताएं, तीन कविताएं, यदि कविता जैसा कुछ होगा तो उसमें ये काउंट की जाएंगी कि ये भी कविता जैसा कुछ विनीत को लिखना आ गया था। मेरे पिताश्री तो आज तक कहते हैं पता नहीं कौन मूर्ख इसको इतने मोटे मोटे लिफाफे देता है, मेरे स्कूल में होता तो मैं इसको चपरासी नहीं बनाता। मेरे पिता आज भी मुझे कवि मानने को तैयार नहीं है, लेकिन तो जनता का स्नेह है कि मैं उन्हें जा जाके कहता हूँ कि महाराज वहाँ देखो, वहाँ मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया, वहाँ बाफना सर ने माला पहन, कहला पता नहीं कैसे मैं तेरे को चपरासी नहीं बनाता। तो मैं वीडियो उनको जाके दिखाऊंगा कि देखो बाफना जी ताली बजा रहे, तो अब तो कवि मान लो मेरे को आप। ये कविता एक सच्ची घटना पर आधारित है जी। उदयपुर में उस समय महाराणा अमर सिंह का शासन था, उनके दो सेनापति थे चूड़ावत और शक्तावत। चूड़ावत हमेशा आगे लड़ते थे हरावल दस्ते में, ये गौरव का विषय माना जाता है राजस्थान में। आप सब लोग जानते हैं कुर्सी के लिए सत्ता के लिए बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन पूरे विश्व का पहला उदाहरण है ये अभी तक। मैंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है कुलश्रेष्ठ जी, विश्व का बहुत ज्ञान है मुझे, आपने इससे बड़ी कोई कहानी सुनी मुझे बताइए, मैं अगली बार उस पर कविता लिख लाऊंगा। बलिदान पहले कौन होगा युद्ध में, इसके लिए कोई कंपटीशन हुआ हो, यह अकेली घटना है उदयपुर की। महाराणा अमर सिंह के यहां चुंडावत और शक्तावत थे, चुंडावत आगे लड़ते थे, शक्तावत को लगा यार ये पौरुष तो हो, ये गर्व हमें मिलना चाहिए। वो राणा के पास गए, राणा ने कहा, राणा जानते थे कि चुंडावत मानेंगे नहीं, तो उन्होंने उसके सामने एक शर्त रख दी कि उंठाला का किला है वो मुगलों के कब्जे में है, आप दोनों अपनी अपनी टुकड़ी लेके जाओ, जो भी पहले अंदर प्रवेश कर जाएगा वो आगे हरावल दस्ते में लड़ेगा। बस भूमिका समाप्त होती है, अब कविता आपसे वार्ता करती है। राणा को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कल जो युद्ध होगा वो विश्व के इतिहास का अनूठा युद्ध होगा। मैं शुरू कर रहा हूं।
जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। क्या है राजस्थान, मुझे मन दे दीजिएगा। मैं दावा कर रहा हूं कि आप आज की रात यदि कुछ याद रखेंगे तो विनीत चौहान की इन लाइनों को याद रखेंगे। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राणधन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा, मैंने राजस्थान की परिभाषा दे दी हो तो मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राणधन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा, थोड़ा मन दीजिए मुझेगा। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। राणा पुत्र अमर सिंह भी मेवाड़ वंश गौरव थे, चूड़ावश शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे, शक्तावतिया देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम, यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया, बोला श्रीमन हम भी पौरुष तलवारे रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं, समरांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। जरा भाषा के कविता के लोग कहां है मुझे बताइएगा। समरांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, वो जानते थे चूड़ावत मानेंगे नहीं। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना फिर बोले, जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग फंडोले, बोले श्रीमन आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है, क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। आप कहें तो बैरी दल से धरा पाट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं, शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है, भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, फिर देखिए उसका अधिकार, क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर पुकार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर। मुझे माफ कीजिएगा, इतनी कम तालियों में मैंने जयपुर में कविताएं सुनाई नहीं है, मैं कविता पढ़ रहा हूं तो मेरा मन मिले। जो मणि छिन्ने के भय से विषधर पुकार रहा था, राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे, विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उंटाला का किला, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली, अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। कहने भाई साहब, राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे, विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। सहसा राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उंटा ला का किला, मुगल सब सैनिक सब कट जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था, ध्यान चाहता हूं मैं आपका, अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। खुद को तो पता था कल क्या होगा, क्या अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी भाई। भोर हुई, रणभेरी गूंजी और दुंधवी बोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, कहां है कविता के लोग, आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मैं भाषा के लोगों से प्यार चाहता हूं भाई साहब, जिंदाबाद। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का, मृत्यु दुल्हन की खातिर, मेरे रोंगटे खड़े इस लाइन को पढ़ते समय, मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे, कौन वरेगा प्रथम उसे जिद पर अड़े हुए थे, कौन वरेगा प्रथम उसे जिद पर अड़े हुए थे, कौन वरेगा प्रथम उसे जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, कैसा युद्ध रहा होगा, मेरा मन उद्वेलित है इसको पढ़ते समय। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी, पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी, पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, युद्ध का दृश्य देखे, भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक कर अरितल काट रहे थे, दोनों योद्धा दुश्मन से जो भूतल पाट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया,
मैं रोमांच से भरा हुआ उस दृश्य को आपको मैं दावा करता हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया, बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया, कहा महावत को हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने। जिंदाबाद। और सभी शक्तावत वीरों, अच्छा लगा मुझे कविता सुन ली गई है, वरना तो मामला बड़ा ठंडा हो चुका था। और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं, कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बरछी धर दूं। बालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय गवाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुकाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुकाओ। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, बालू सिंह ने भिस्सीना कीलों पर अड़ा दिया था, हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर, गज मस्तक को भिगो रही थी शत शौणित पिचकारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु। क्या अद्भुत सुना है भाई, जिंदाबाद। मैं भाव विभल हूं आपकी इन तालियों को लेकर के कि आपने कविता का स्तवन कर दिया है। हाथी शौणित की पावन गंगा में नहा चुका था, हाथी शौणित की पावन गंगा में नहा चुका था, और बालू सिंह भी उधर रक्त के धारे बहा चुका था। बालू सिंह भी, अब सीन यह है कि बालू सिंह का हाथी एंट्री ले रहा है, जैत सिंह क्या करता है, बस दो मिनट में कविता समाप्त होती है। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, वो किले के पीछे चढ़ा। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था, जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया। सारे सपने बिखर गए जैत सिंह के, कहला अब कोई चांस नहीं है, वो कूदने ही वाला था बस अंदर। इधर जैत सिंह, बालू सिंह का हाथी एंट्री ले रहा है। वीर वो नहीं है सर जो मृत्यु को सामने देखकर विजय की कल्पना छोड़ दे, वीर वो है जो मृत्यु से पंजा भिड़ा करके अंतिम क्षण तक विजय के द्वारों को ठोकरों से खोल दे। जैत सिंह इसी का नाम था। और उधर इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प को कंगूरे चढ़ता था, जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया, सोचा अगर किले में पहले बालू कदम धरेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा, शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है। कलम के दो अर्थ हैं सर इसमें, रामकिशोर तिवारी पंडित जी को मैं सौंप रहा हूं। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है, युद्ध देव को जब शौणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। तो लगी तनिक ना देर, अंतिम लाइन और मुझे विदा कीजिएगा, जय सिंह ने एंट्री कैसे ली है, लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निज शीश काट देने में, तो उन ठाला का किला, एक एक हाथ खड़ा हो जाए मुझे अच्छा लगेगा, उन ठाला का किला अजब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काट कर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काट कर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काट कर अंदर फेंक रहा था, तो काल ठुटक कर रुका, काल ठिटक कर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था, काल ठिटक कर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था, किसको लिखूं महान सोच में पड़े इतिहास गया, किसको लिखूं महान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।